दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्लीपर बिजनेस में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं। कुछ वीडियो बता रहे हैं कि आप स्लीपर बिजनेस के द्वारा लाखों रुपए कमा सकते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को हमने प्रमोट किया है, और कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि स्लीपर बिजनेस के द्वारा आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, ये आप बिजनेस न करें। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात होती है, बहुत सारे उन लोगों से बात होती है जो ये बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जो मेरा अनुभव है इस बिजनेस को लेके वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसको एज ए मेरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं या एज ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप समझ सकते हैं जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर। तो बात यही कर रहे हैं कि स्लीपर बिजनेस क्या है, आपको कैसे करना है और इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एम। जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो यूट्यूब पर भी देखते हैं और आप किसी से बात करते हैं तो आपको लाखों रुपए वाले सपने दिखाए जाते हैं, तभी आप मशीन लेते हैं। हम इंडियंस की आदत भी ये है कि जब तक कोई काम लाखों रुपए के प्रॉफिट वाला नहीं होगा हम उसमें हाथ डालेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले तो हम एक रॉन्ग एम बना लेते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं सोचना चाहिए। अगर बिजनेस लॉस में नहीं जा रहा तो भी वो बिजनेस सक्सेसफुल माना जाता है, लेकिन वहाँ हम मान लेते हैं कि पहले महीने से ही लाखों रुपए कमेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाखों रुपए आप नहीं कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आप गांठ मान लीजिए कि आपको कोई भी जो अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैनुअल मशीन से स्टार्ट करिए। क्योंकि आप नए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि ये बिजनेस कैसे होता है, तो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करिए। तो जो मैनुअल मशीन है सही क्वालिटी की 15,000 से स्टार्ट हो जाती हैं। इसका भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको सही मशीन की चॉइस करनी है। तो आप बहुत महंगी मशीन मत लीजिए, स्टार्टिंग आपको करनी है 15,000 की मशीन से। दूसरा आपको एम रखना है कि आपका स्टार्टिंग के मंथ में लॉस नहीं हो और जो प्रॉफिट हो वो निकल के आ जाए 15,000 से 30,000 रुपये। देखिए दोस्तों, अगर आप 15,000 की मशीन लगा रहे हैं और 15,000 भी महीने के बचा लेते हैं तो आप मानिए कि आपका बिजनेस पूरी तरह प्रॉफिट में। तो पहले जो मैनुअल मशीन है उससे स्टार्ट आप करिए, और आप सोचते हैं कि 1,00,000 रुपये महीने कमा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। अब आप सोचेंगे हम बड़ी मशीन लगा लेते हैं, तो दोस्तों उससे बहुत अंतर नहीं आएगा जब आपको अनुभव ही नहीं है कि इस बिजनेस में कैसे प्रॉफिट कमाना है, तो वो आपके लिए सक्सेसफुल मेथड मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। अगर आपको अनुभव है इस फील्ड में तो आप बड़ी मशीन लगा सकते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में 15,000 से 30,000 रुपये कमाने का एम रखिए, और जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएं, आप कैसे सक्सेसफुल होंगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, उसके बाद अपना जो ऑटोमेटिक मशीन है, जो बड़ी मशीन है वो आप लीजिए। स्टार्टिंग में बड़ी मशीन में पैसा मत खराब करिएगा, यानी आप अनुभव यहाँ से लेंगे। अब दूसरी जो गलती आप करते हैं वो गलत मशीन की चॉइस कर लेते हैं। आप वीडियो देखते हैं, हमारा देखते हैं, किसी और का देखते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं कि 15,000-20,000 की मशीन आ रही है, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जिस पर आप खड़े भी हो जाएंगे तो जो रॉ मटेरियल है, जो आपका स्लीपर है वो नहीं कटता, जो आपकी सीट है वो कटती नहीं है। मशीन ऐसी होनी चाहिए, अगर मैनुअल मशीन भी है तो कोई भी मैन पावर आराम से उसको काट पाए, और दिन में कम से कम 50-60-70 जोड़ी जो स्लीपर है वो काट पाए, ठीक है। अगर वो काट ही नहीं पाई तो आप कैसे स्लीपर बनाओगे, आपका जो बिजनेस है स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दूसरी मशीन लेंगे, यानी आपका बिजनेस स्टार्टिंग में ही लॉस में हो जाएगा। तो कहीं भी मशीन लीजिए, मेरी आपको एडवाइस है, आप जाइए वहाँ खुद अपने हाथ से काट के देखिए, उनकी बातों पर मत जाइए। मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि आपको अच्छी मशीनें कहाँ से मिल सकती हैं वीडियो के अंत में। तो आप खुद काट के वहाँ देखिए, 5-10 स्लीपर्स को काट के देखिए कि आप आराम से काट पा रहे हैं कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट कट रही है या 2-3 बार में कट रही है तो आप सोचिए कोई भी मैन पावर उसको काटेगी कैसे। तो सही मशीन की चॉइस करनी है, और जैसा मैंने पहले बताया मशीन स्टार्टिंग में मैनुअल ही लीजिए, जिससे आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको एक अनुभव मिल जाए। अगर आप मैनुअल से प्रॉफिट कमा पाएंगे तो फिर आप ऑटोमेटिक पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो पहले आपको मैनुअल मशीन से स्टार्ट करना है, उसके बाद खुद रॉ मटेरियल को काट के देखना है, किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना, खुद जाना है, खुद रॉ मटेरियल को काट के देखना है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, स्लीपर बनाने में बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, लेकिन सही मशीन और सही रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अब जो तीसरी गलती होती है वो रॉन्ग मटेरियल, यानी आप स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे हैं और आप गलत रॉ मटेरियल ले लेते हैं। क्या होता है, आप जो जोश में होते हैं कि अरे बिजनेस में 1,00,000 रुपये तो लगाना ही लगाना है, आप 20-25,000, 30,000 या 50,000 की बड़ी वाली मशीन लेते हैं और 40-50,000 का रॉ मटेरियल ले लेते हैं।
आपको आइडिया ही नहीं है कि रॉ मटेरियल के इस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है। आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, आपको पहले समझना होगा कि किस टाइप का रॉ मटेरियल आपको लेना है। मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल ले लेते हैं, यानी आपका जो स्लीपर 80 और 100 रुपये की तैयार होगी, तो क्या आप वहाँ सेल कर पाएंगे? फिर आप वहाँ मान के चलिए जो बायर होगा वो शिफ्ट आपका हो जाएगा जो ब्रांडेड कंपनी है उन पे, यानी 100 और 150 रुपये में तो ब्रांडेड कंपनियों की स्लीपर आ रहे हैं, तो आप समझिए वहाँ आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको अपने आसपास के मार्केट का ध्यान रखना है, मार्केटिंग रिसर्च करनी है, यानी आपके पास कौन सा मटेरियल चलेगा। इसके लिए बेस्ट तरीका है अपने आसपास की शॉप पे जाइए, जो ओपन मार्केट है वहाँ जाइए और आप वहाँ रिसर्च करिए जो स्लीपर है किस प्राइस में मिल रहा है। अगर आपके पास स्लीपर 60 और 70 रुपये मिल रहा है तो ऐसा रॉ मटेरियल दीजिए कि उस प्राइस पे आप मार्केट में सप्लाई दे पाएं अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी है। इसके अलावा सही जो सप्लायर है, फाइंड आउट राइट सप्लायर, यानी सही जो सप्लायर है स्लीपर के जो रॉ मटेरियल का, उसकी चॉइस करनी है। मैं आपको बता दूं, मैंने देखा है और जब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं तो एक ही टाइप का जो रॉ मटेरियल है डबल डबल प्राइस पे सेल हो रहा होता है, यानी अगर आप सही सप्लायर के पास पहुँच जाएंगे तो आपको काफ़ी कम प्राइस में रॉ मटेरियल मिल जाएगा। और जो लोग बोलते हैं कि 40 रुपये में स्लीपर नहीं तैयार हो पाता, वो गलत बोलते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये आपकी मिस्टेक होती है। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा ना लें, 10 से 15 हज़ार का रॉ मटेरियल लें और अपनी गाड़ी से ना ले जाके ट्रांसपोर्ट से भिजवाएं। ट्रांसपोर्ट चार्ज काफ़ी कम होता है और आप अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे, यानी पूरा गाड़ी माल भर के ले जाएंगे, तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। और ऐसे सप्लायर से लीजिए जो आपके पिन कोड पर माल को पहुँचा दें, ठीक है। और उसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि आधा पेमेंट पहले डाल सकते हैं, आधा बाद में डाल सकते हैं, और जो आपने क्वांटिटी ली है और जो क्वालिटी ली है वही आपके पास आ रही है कि नहीं। स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको इस सब को रिसर्च करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और अगर आपके आसपास कोई रॉ मटेरियल वाला मिल जाता तो बेस्ट रहता है। अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो रॉ मटेरियल है वो ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है, पहला तो आपका एम क्लियर होना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं सोचना कि पहले महीने से या 6 महीने तक आप लाख रुपये महीने कमाएंगे, 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार कमाते हैं वो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। रॉन्ग मशीन नहीं लेनी, मशीन मैनुअल लेनी है। दूसरा, उससे जो रॉ मटेरियल है वो कटना चाहिए। तीसरा, सही रॉ मटेरियल की चॉइस करनी है, यानी आपके पास किस टाइप के रॉ मटेरियल की डिमांड है वो रॉ मटेरियल आपको लेना है, उस टाइप का स्लीपर आपको बनाना है, मार्केट की रिसर्च करना है, सही जो सप्लायर है उसकी आपको फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना है, यानी सही जो क्वालिटी है वो आपको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जो सप्लायर आपको इतनी बुरी क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे दे कि स्लीपर 1 महीने भी ना चले। इसके बाद आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपका मार्केटिंग। आप देख पा रहे होंगे मार्केटिंग क्या है। आप क्या सोचते हैं कि आप कोई भी बिजनेस करेंगे और आपके यहाँ से सब लेने आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप जब भी माल तैयार करें, अगर आप गांव में हैं तो वहाँ बहुत सारी हाट लगती हैं, लोकल मार्केट लगते हैं, वहाँ आप अगर इन्हें लेके बेच सकते हैं या किसी और को बैठा सकते हैं। 40-50 जोड़ी दिन की स्लीपर सेल होना बहुत आसान है। आप 10 रुपये का मार्जिन लेके चलेंगे तब भी आप 500 रुपये ईजिली कमा पाएंगे। तो मार्केटिंग करनी है। अगर बॉक्स में पैक करके जा रहे हैं तो आसपास आपकी दुकानें होंगी, वहाँ आप सप्लाई कर सकते हैं। बस मार्केटिंग ध्यान रखना है आपके आसपास के जो डेली एरिया हैं, बांट लीजिए कि सोमवार को इस एरिया में जाएंगे, मंगल को इस एरिया में जाएंगे, बुध को इस एरिया में जाएंगे। होता क्या है, कोई भी प्रोडक्ट आप तैयार कर लें, जब तक आपकी मार्केटिंग खराब है आपके यहाँ से कोई लेने नहीं आएगा। आप ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं और शॉप पर भी सेल कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका आप यूज़ करते होंगे, लेकिन आप अक्सर इसका यूज़ केवल टाइम खराब करने में करते हैं। आप चाहेंगे तो आपने सोशल मीडिया की ताकत देखी होगी, बहुत सारे बिजनेस बूम हो रहे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर देख रहे हैं, और यूट्यूब पर लोगों के बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम हुए हैं, हमारे बिजनेस भी खुद बूम हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ करना है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक पेज हो गया, अगर ये आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टारगेट राइट मार्केट। अब आप समझिए, आप अगर शहर में सेल कर रहे हैं तो आप सड़क पर किनारे रख के नहीं बेच सकते, वहाँ आपको मॉल्स में जाना पड़ेगा। और अगर आप गांव में सेल कर रहे हैं और आप सोचेंगे हर गांव में दुकान मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ जो रोड साइड जो मार्केट लगते हैं, जो हाट लगती हैं, जो वीकली मार्केट होते हैं, उनमें आप सेल कर सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है तो आप बिल्कुल इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं।
अब दूसरा बात करते हैं मशीन सही काम लगी। दोस्तों जो मेरा अनुभव है वो दिल्ली में एक है डीके इंजीनियरिंग, इनका नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दूसरा है रॉयल पेपर इंडस्ट्रीज, ये भी दिल्ली में है, इनका नंबर भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर बता दूँ इन दोनों के वीडियो पर बहुत ही कम नेगेटिव कमेंट आते हैं, फिर भी आप इनके पास भी लेने जाएं तो मेरी बातों पर टच मत करिए, खुद वहाँ प्राइस को कैलकुलेट करिए कि सही प्राइस पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे आपको, और आप खुद मशीन से स्लीपर को काट के देखिए, बना के देखिए, रॉ मटेरियल को यूज करके देखिए, यानी जो रॉ मटेरियल है मशीन काट पा रही है कि नहीं, खुद जाके ये आप अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी ओर से डिटेल थी कि कैसे आप स्लीपर बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से शेयर करिए, जिससे सभी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।